मेरा छोटा भाई जो चाहत है ना, उसकी 12th की पढ़ाई अभी कंप्लीट हो जाएगी, उसके एग्ज़ाम चालू हैं अभी। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही उसको बाइक हम ये दे देंगे। और बाइक कई बार आए, यहाँ का शोरूम इतना छोटा है कि कुछ काम होता ही नहीं कभी भी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक बाइकर। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों तो आज हम चलते हैं, राइड करेंगे फिर से, और काफ़ी दिनों के बाद हम आज ब्लॉग कर रहे हैं। और आज ब्लॉग कर रहे हैं कहाँ से? अपने कॉलोनी के बाहर से। तो यही हमारा कॉलोनी पीछे देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि वही हमारा कॉलोनी है, वैसे में हमारे लेबर भी रहते हैं और एक रूम मेरा भी है उसमें। तो यही हमारा कॉलोनी और यही हमारा कंपनी है कंपनी। अब मैं निकलते हैं यहाँ से। तो आज देखते रहिए, ब्लॉग को देखिए और इसकी हिम्मत करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों। तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। आज थोड़ा बाहर से कर रहे हैं तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। कहीं कभी बाहर से मैं ब्लॉगिंग किया नहीं हूँ, रूम से ही कभी स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जैसे कि जितने भी वीडियो देखे होंगे सब रूम से स्टार्ट करता हूँ। तो अब यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। ये रही अपनी बुलबुल की चाबी, अब निकलते हैं, चलिए चलते हैं। और कई दिनों से बुलबुल को निकाले नहीं है तो आज काफ़ी गंदी भी हो रखी है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। हमारा कंपनी दोस्तों, हम लोग पहुँच गए बुलबुल। ये देखिए दोस्तों कितनी गंदी हो रखी है, आज 7-8 दिन के बाद निकाल रहे हैं, कहीं जाना नहीं हुआ तो निकाले ही नहीं। ये देखिए कितनी गंदी हो रखी है। तो चलिए निकलते, कोली बुलबुल कर देते हैं पहले कोली स्टार्ट। न्यूट्रल हो गई है, कोली स्टार्ट कर लेते हैं। कोल्ड स्टार्ट करने से दोस्तों क्या होता है, जो ऑयल होता है ब्लिंक कर रहा है ना, जैसे देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है तो जब तक ब्लिंक करे तो कभी भी गाड़ी ना चलाए, स्पोर्ट बाइक का यही है। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने प्लेस पे जहाँ से हम डेली स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। अब यहाँ से हम निकलते हैं। और एक बात और, मैं ये बाइक अपने भाई को दे रहा हूँ, भाई मेरा चाहत छोटा भाई, और आगे की पढ़ाई करेगा इंदौर से और ये बाइक लेगा और वहीं से ब्लॉगिंग भी करेगा। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, आप लोगों को बताते हैं आगे की बातें। मेरा छोटा भाई जो चाहत है ना, उसकी 12th की पढ़ाई अभी कंप्लीट हो जाएगी, उसके एग्ज़ाम चालू हैं अभी। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही उसको बाइक हम ये दे देंगे, और बाइक देने के बाद वो अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेगा और कुछ दिन तक ब्लॉगिंग करेगा, उसके बाद निकल जाएगा इंदौर। इंदौर से अपने आगे की स्टडी स्टार्ट कर देगा, स्टडी स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे साथ साथ ही ब्लॉगिंग भी करेगा। अब उसके ऊपर है, वो डिपेंड करता है कि कब वो ब्लॉगिंग करेगा कब वो स्टडी करेगा, वो हमको पता नहीं। उससे मेरी बात हुई, वो मेरे को पहले ही बोल दिया कि हम ब्लॉगिंग भी करेंगे इंदौर से ही और अपनी स्टडी भी करेंगे। स्टडी में वो क्या करेगा, MPSC की तैयारी करेगा वो बोल रहा था। तो उसकी मर्ज़ी, वो क्या करना चाहता है, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो उसका इच्छा है वो करेगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं जालना के लिए। जालना में चलेंगे, आज थोड़ा डीमार्ट में काम है, डीमार्ट से कुछ शॉपिंग करना है वो करेंगे, और कुछ काम है मोतीबाग जाएंगे, मोतीबाग में थोड़ा सा काम है वो काम कर लेंगे। तो निकलते हैं यहाँ से, हमारे थे यमा के शोरूम में थोड़ा काम था। काम क्या था कि जो बैक सीट का कैप है वो कैप गिरा है, तो उसको लगाने के लिए आया था। तो कई बार आया, यहाँ का शोरूम इतना छोटा है कि कुछ काम होता ही नहीं कभी भी, तो आज भी नहीं मिला। 2 महीना पहले ऑर्डर करवाया था, अभी तक आया नहीं हो, उनका क्या है कि कुछ समझ में नहीं आता, वही शोरूम है कि क्या है, एक छोटा शॉप के जैसे बना के रखे, कुछ भी सामान मिलता नहीं यहाँ से कभी भी। जितना भी सामान मैं अगर लगाया हूँ सब फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर करके ही लगाया हूँ, यहाँ पे कुछ सामान मिलता ही नहीं कभी भी। पहले आओ ऑर्डर कराओ, आएगा तो आएगा, 4-4 महीने आता ही नहीं सामान कोई भी। जब गाड़ी लिया था तब से ऑर्डर कराया हूँ, आज तक आया नहीं इनके पास सामान। बोल रहे हैं आएगा तो कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, आएगा ही नहीं लगता है कभी भी। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, सिटी से कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी हुआ नहीं, अपने कपड़े लेंगे लॉन्ड्री से निकल जाएंगे दोस्तों। भाई को देने से पहले सोच रहा था सब कुछ क्लियर करके दे देंगे,
अच्छी दिखेगी, जो ऐसा हो ही नहीं रहा। छोटे छोटे काम हैं जो हो ही नहीं रहे, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, पार्टी नहीं मिल रहा। देखते हैं फ्लिपकार्ट में भी, उसका मैं नाम नहीं मालूम ना क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, मिलेगा तभी ना, नहीं तो सीट ही चेंज कराना पड़ेगा। सीट है 1200 रुपये की, 1200 की 1500 की सीट होगी, बैक सीट चेंज करवा देंगे तो हो सकता है फाइनल हो जाए। और देने से पहले इसका लॉक सेट भी चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही की है, अगर उसने घुमा दिया तो लफड़ा। पुलिस भी लगी है, कभी रुका ले तक रुका ना ले, इसलिए देखते हैं। निकल तो गए, पुलिस वाले भी नहीं रुकाया। देखते हैं पुलिस कपड़ा लेंगे लॉन्ड्री से, और लॉन्ड्री से लेने के बाद निकल जाएंगे सीधे रूम दोस्तों। तो आज की कुछ खबरी भी यही है, और खबरी भी यही है कि मतलब बाइक चली जाएगी भाई के पास। टेंशन मत लीजिए, इसी चैनल पे उसके वीडियोस आएंगे सारे वीडियोस, क्योंकि अगर हमने दो महीने मेहनत की है तो चैनल को ऐसे तो छोड़ना नहीं है। भले वो नाम अपना चेंज कर ले, लेकिन चैनल यही रहेगा, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं रहेगा, वीडियो इसी में आएगी सारी। सिर्फ इंसान चेंज होगा, ना कि बाइक। बाइक भी वही रहेगी, हेलमेट भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, वो अपना लॉगिंग वो करेगा, बस इतना ही फ़र्क है। मेरे हिसाब से तो मेरे से अच्छा ही कर लेगा, मेरे को तो जितना नॉलेज है मेरे से अच्छा ही करेगा वो, टैलेंट बंदा है। अभी एडिटिंग क्या है कि एडिटिंग उसने किया नहीं है, तो एडिटिंग को इसको थोड़ा बताना पड़ेगा एडिटिंग के लिए, कर लेगा। लेकिन क्या है कि हम कई बार वीडियो को एडिट कर चुके हैं, उसने भी एक भी वीडियो एडिट नहीं किया, तो उसको बताना पड़ेगा कि कैसे क्या है, उसको मत पता है कहाँ से करना है, लेकिन अभी वो किया नहीं है कभी भी। कर लेगा ये मुझे पता है, लेकिन थोड़ा परफेक्ट होने के लिए टाइम लगेगा उसको भी। अभी हम भी उतना अच्छा नहीं एडिटिंग कराते दोस्तों, मजाक नहीं कर लेना, हंस नहीं लेना, हम हमें भी इतना अच्छा आता नहीं है दोस्तों। तो पहुंचने वाले हम लॉन्ड्री से कपड़े लेंगे, फिर चलेंगे डी मार्ट में अपना काम करेंगे। ये है शिवाजी चौक हम पहुंच चुके हैं, शिवाजी चौक से निकलना है। शाम टाइम काफ़ी भीड़ रहती है दोस्तों। कंपनी का संजीत बावर था, वो कंपनी छोड़ दिया है, लेकिन पहचाना नहीं मेरे को, क्योंकि तब मेरे पास स्कूटी थी और कैसे पहचानता मेरे को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बालों को इग्नोर करिएगा, आप लोगों को पता है हेलमेट लगाने के बाद बाल कैसे हो जाते हैं, तो बाल ऐसे हो गए हैं हेलमेट लगाने के बाद, इस वजह से हेलमेट लगाने की वजह से ऐसे बाल हो गए हैं। हमारे बाल इतने भी ख़राब नहीं है दोस्तों, मानता हूँ खराब है दोस्तों, लेकिन इतने भी खराब नहीं है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा मंडे को फिर से वॉच करिए दोस्तों, प्यार करिए, सपोर्ट करिए, और चलिए तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर दोस्तों।